नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑडियो स्ट्राइम में। मैं हूँ आपका दोस्त अमन साड़ा और लेके आया हूँ आज आपके लिए गजब गजब की न्यूज। तो आशा करूँ आज ही आपको ये डेली डोज पसंद आएगी। अगर आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में। तो चलिए दोस्तों पता लगा लेते हैं आज के डेली डोज के बारे में और आशा करता हूँ आपको हमारा कल का डेली डोज पसंद आया होगा। यहाँ पर कल हम आपके लिए लेके आए थे लाइव स्ट्रीम, परंतु किसी कारण से लाइव स्ट्रीम नहीं आ पाई, तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहते हैं और आशा करते हैं आज की आपको लाइव स्ट्रीम पसंद आई होगी। यहाँ पर बात कर लें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है गूगल मैप से और यहाँ पर ये लेके आ गए हैं एक नया फ्यूचर जिसके तहत अगर आपका टैक्सी वाला गलत रूट पर आपको ले जाता है तो ये आपको अलर्ट कर देंगे और बता देंगे कि आप गलत रूट पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक सेफ्टी के लिए बहुत तगड़ा फ्यूचर आ चुका है। अब आप बताइए क्या सोचते हैं कि आपको यह फीचर पसंद आया कि नहीं। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही टाटा स्काई से और यहाँ पर आप जानते हैं इन्होंने हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाया था ब्रॉडबैंड से और यहाँ पर अब मालूम पड़ा है कि ये पहुंच चुके हैं 21 सिटीज के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा स्काई अब ज्यादा ज्यादा सिटीज में फैलने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है और क्या इनकी स्पीड पहले से बेहतर होती है और क्या ये आने वाले टाइम में जियो गीगा फाइबर को टक्कर दे पाते हैं क्या। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप यूज करते हैं टाटा स्काई का ब्रॉडबैंड, अगर करते हैं तो ओवरऑल कैसे एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए हमारे साथ। बात करें अगली डेली डोज की, तो यारी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और यहाँ पर आप जानते हैं चल रहा है E3 इवेंट और यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं एक्सबॉक्स प्रोजेक्ट स्कारलेट जिसके तहत यहाँ पे आपको मिलेगा AMD Zen 2 का CPU। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ आपको रेडियन RDNA आर्किटेक्चर पे ये देखने मिलेगा। कंपनी का कहना है जो इसका कंसोल है वो 4 times आपको पावरफुल देखने मिलेगा अगर हम कंपेयर किया जाए एक्सबॉक्स वन एक्स से। यहाँ पर आपको 120 FPS पे गेमिंग मिलेगी, 8K रेजोल्यूशन मिलेगा, GDDR6 रैम मिल जाएगी। यहाँ पर आपको SSD देखने मिलेगी, रे ट्रेसिंग देखने मिलेगी, वेरिएबल रिफ्रेश रेट देखने मिलेगा। यहाँ पे बात करें कब तक ये हो सकता है, तो बोला जा रहा है कि 2020 तक हो सकता है ये आपको देखने मिल जाए। अब बात कर लें अब एक्सबॉक्स गेमिंग सर्विस की, तो यहाँ पर आपको जितने भी आपके गेम है उसे आप इजिली स्ट्रीम कर सकते हैं अपने एक्सबॉक्स वन से स्मार्टफोन और PC के अंदर। यहाँ पे बात कर लें अगले प्रोडक्ट की, तो ये है एक्सबॉक्स इलाइट वायरलेस कंट्रोलर सीरीज 2 और आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से देखने मिलेगा और लुक वाइज बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। बात कर लें फीचर की, तो वो भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। 40 घंटे की आपको यहां गेम प्ले मिल जाता है, USB टाइप सी मिल जाता है। यहां पे बात कर लें प्राइसिंग की और अवेलेबिलिटी की, तो प्राइसिंग रखी गई है $179.99 और ये November 4 से आपको देखने को मिल जाएगा और बोला जा रहा है कुछ 24 कंट्रीज के अंदर ये अभी देखने को मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आपको इनमें से कोई भी एक चीज पसंद आई, अगर आई तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार एक रिपोर्ट से और ये रिपोर्ट बोलती है कि मोजिला अगले साल तक लेके आ सकता है पेड वेरिएंट फायरफॉक्स का। जी हाँ, तो आप वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से ये पेड वेरिएंट देखने मिलता है, क्या क्या नई नई चीजें देखने मिलती है और कितना एंजॉयमेंट पहले से बेहतर हो जाता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप पैसे लगा के मोजिला फायरफॉक्स को लेना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है सैमसंग गैलेक्सी J7 NXT और J7 Pro से और यहाँ पर अगर आप भी यूज करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। यहाँ आ चुका है एंड्रॉइड 9 पाए, साथ ही साथ आपको One UI भी मिल चुकी है, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो आपको अच्छा मिलेगा और पाई का तो मजा मिलेगा ही मिलेगा। तो बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप भी वेट कर रहे थे अपने इनमें से कोई भी एक स्मार्टफोन में पाई का अपडेट, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार एक रिपोर्ट से और ये रिपोर्ट बोलती है कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 और नोट 10 प्रो के अंदर आपको मिल सकता है 4170 mAh की बैटरी। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो यहाँ पे इस रिपोर्ट ने बताया कि नोट 10 के अंदर आपको मिलेगी 6.4 इंच डायनेमिक एमोल्ड स्क्रीन, 128 GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ ये आएगा। यही नोट 10 प्रो के अंदर आपको 6.8 इंच की सुपर एमोल्ड पैनल देखने को मिलेगा और 256 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल फीचर अच्छे लग रहे हैं, अब देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट किस प्रकार से आता है और क्या लुक और क्या प्राइसिंग बैठती है। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये गूगल पिक्सल 4 से और यहाँ पर आया है एक नया रेंडर सामने जिसके अंदर मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से आपको लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे बैक में तो आपको बम्पी सा 4 कैमरे वाला मॉड्यूल देखने को मिल रहा है। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है गूगल पिक्सल 4 से और यहाँ पर आया है एक नया रेंडर सामने जिसके अंदर मालूम पड़ा है कि कुछ इस प्रकार से आपको लुक देखने को मिल सकता है। फ्लैट स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है, पीछे हल्का सा बम्पी वाला आपको कैमरा देखने को मिल रहा है, जो 4 कैमरा हो सकता है आपको देखने को मिला है। यहाँ पे बात करें और चीजों की, तो ओवरऑल लुक वाइज अच्छा लग रहा है। तो आप देखते हैं फाइनल प्रोडक्ट क्या निकल के आता है, किस प्रकार से लुक बैठता है, क्या ओवरऑल फीचर होते हैं और क्या प्राइसिंग रखी जाती है।
बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये AMD की तरफ से, और यहाँ पे ये लेके आ गए हैं नया राइजन 9 3950X CPU, और ये E3 इवेंट में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पे बात कर ले इसके फ्यूचर की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से फ्यूचर देखने मिलेंगे। ये AMD का पहला 16 कोर वाला आपको देखने मिलेगा प्रोसेसर। यहाँ पे ओवरऑल फ्यूचर बहुत ही तगड़े हैं, प्राइसिंग भी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। तो बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपको ये नया CPU पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये रेनॉल्ट की तरफ से, और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि इनकी जो क्विड है उसने क्रॉस कर लिया है 3 लाख सेल। जी हाँ, 3 लाख सेल का माइलस्टोन इन्होंने क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे रेनॉल्ट वैसे भी बहुत फेमस है, खासकर इनकी क्विड बहुत ही फेमस हुई है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप भी यूज करते हैं रेनॉल्ट की क्विड, अगर करते हैं तो ओवरऑल कैसे एक्सपीरियंस है शेयर कीजिए हमारे साथ। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये महिंद्रा की तरफ से, और यहाँ पर आप जानते हैं कि इनकी जो XUV300 है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी देखने मिलती है। अब यहाँ पे मालूम पड़ा है कि ये आपको AMT वेरिएंट में भी जल्दी देखने मिल जाएगा। जी हाँ, बोला जा रहा है कि अगले महीने ये हो सकता है लॉन्च। तो वेट करते हैं, देखते क्या होता है, किस प्रकार से AMT वेरिएंट देखने मिलता है, और क्या कुछ इंप्रूवमेंट्स किए जाते हैं कि नहीं। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप चाहेंगे इस AMT वाली महिंद्रा XUV300 को लेना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो यार ये मारुति सुजुकी की डिजायर से, और यहाँ पे मालूम पड़ा है कि इन्होंने भी क्रॉस कर लिए हैं 90 लाख सेल माइलस्टोन को। जी हाँ, डिजायर ने यहाँ पे अच्छा खासा माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजायर भी बहुत फेमस है, और खासकर सिडान के अंदर ये बहुत ही गजब का दबदबा जमा के रखती है। तो यहाँ पर अब आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपका भी एक्सपीरियंस अच्छा है डिजायर के साथ, अगर अच्छा है तो कमेंट कीजिए, और अगर अच्छा नहीं है तो भी कमेंट करके जरूर से बताइए। यहाँ पे साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का डेली डोज, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हो सके तो डोनेट भी करना मत भूलिएगा। मिलता हूं मैं आप सभी अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था, मैं था आपका दोस्त अमन सारडा, भारत माता की जय।